बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार बैठक की तैयारी कर रहे हैं, बैठक करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार भी चिंतित हैं कि आखिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। आपको बता दें कि सभी जिलों के डीएम और एसपी रहेंगे मौजूद बैठक में, और साथ ही कोरोना संक्रमण पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कोरोना को लेकर मीटिंग करने वाले हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे, वहीं कोरोना संक्रमण पर बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हमारे साथ एस के राजू जुड़ चुके हैं। राजीव, ये जो कोरोना बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम भी चिंतित नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर मीटिंग भी बुलाई है और इसमें डीएम और एसपी भी मौजूद रहेंगे, क्या बड़ा फैसला लेने की उम्मीद है? देखिए अनिल, दरअसल में बिहार में लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है और आज विभाग का अपडेट आया है, उसमें आज पूरे बिहार में 935 कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। और ये आपको पता होगा कि बिहार में कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और स्थिति ये है कि राजधानी के विभिन्न अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तमाम अस्पताल जो है वो कोरोना मरीजों की वजह से फुल हो चुके हैं। लिहाजा नीतीश कुमार की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि कल लगभग 12 बजे के करीब बिहार के तमाम डीएम और एसपी साथ को मीटिंग करेंगे और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला ले। जैसे कि जानकारी मिली है कि नाइट कर्फ्यू बिहार में लगाया जा सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर स्थिति बरती जाएगी। और ये भी आपकी जानकारी होगी कि 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक बिहार में जो सरकारी और निजी विद्यालय हैं उनको बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक समारोह होंगे जैसे शादी विवाह में 100 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी गई है, क्रीमेशन में मात्र 50 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। ये तमाम तरह के फैसले जो है लिए जा चुके हैं, लेकिन कल डीएम और एसपी के साथ पूरे हालात की समीक्षा करेंगे नीतीश कुमार। उसके बाद हो सकता है कि बिहार में आने वाले दिनों में पार्ट वाइज जो है लॉकडाउन भी किया जा सकता है। राजू, एक बार फिर जो है कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये कहाँ पर लापरवाही, एक तरह से कहा जाए कि लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है। लोग दूरी के साथ साथ मास्क भी कहीं कहीं नहीं लगाते देख रहे हैं। आप लगातार हमारे बिहार के रिपोर्टर्स लगातार जगहों जगहों हर जगह पर घूमकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लापरवाही देखी जाती है। आप किस तरह देख रहे हैं लापरवाही किस तरह बरती जा रही है? देखिए अनिल, दो तीन जो महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी कैबिनेट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य मंत्री के साथ और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि जान सबसे पहले जरूरी है, यानी कि जिंदा रहना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल मई के महीने में 1 लाख केस जो है वो एक दिन में आया था, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में यानी कि 4 तारीख को 1 लाख से ज्यादा केस पूरे देश भर में आया है। बिहार में भी लगातार केसेज की संख्या में इजाफा हो रहा है, महाराष्ट्र में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से एक जो सोशल अवेयरनेस की जो बात होनी चाहिए थी, कि जो सामाजिक जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं उसका अभाव देखा जा रहा है। क्योंकि अब 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये स्लोगन जो है पीएम की तरफ से दिया गया। आपको याद होगा कि 2020 में इसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं, इस बार इसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पटना की अगर आप बात करेंगे या फिर बिहार के अन्य जिलों की अगर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार के अन्य जिलों में भी लोगों के भीतर जो है वो कहीं ना कहीं से कोरोना को लेकर के खौफ नहीं, और यही वजह है कि लोग सार्वजनिक तौर पर मार्केट में घूम रहे हैं, भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने आज बहुत सख्ती अभियान भी चलाया है राजधानी पटना में से लेकर, क्योंकि जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कोरोना जैसे संक्रमण को फैलने से रोका नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि कल की जो सीएम की बैठक है डीएम और एसपी के साथ वो सही मामलों में महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजीव आपका शुक्रिया। तो कहा जाए कि सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित हैं और मीटिंग भी बुलाई है जिसमें एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। डीएम और एसपी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को के बीच अवेयरनेस होनी चाहिए कि आखिर 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी, इसको एकदम गांठ बांध लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना फिर एक खतरनाक स्थिति में आ चुका है।